काफी टाइम से आ रहा हूँ मैं, एक साल हो गया मेरे को ऑलमोस्ट आते आते। मैं वीक में एक या दो बार यहाँ पे आ जाता हूँ, लेकिन जो यहाँ पे क्वालिटी और जो टेस्ट मेरे को मिला है वो खुद ही ले आता है मेरे को यहाँ पर ना, वो सब कुछ इतना मैं ट्रैफिक झेल के इतना टाइम अपना खराब करके इसीलिए ले आता हूँ वो टेस्ट और क्वालिटी बस। तो आज हम आ गए हैं जाफराबाद। जाफराबाद में एक बहुत ही ज़बरदस्त उधम फिश पॉइंट है। यहाँ पर 75 तरह की वैरायटीज़ हैं और इस उधम फिश ने पूरी दिल्ली में उधम मचा रखा है। तो चलिए देखते हैं उधम फिश पॉइंट में क्या क्या मिलता है और ओनर से ही बात करेंगे, फिर आपको देंगे रिव्यू। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो में बहुत मज़ा आएगा। तो देखिए अजीम भाई हमारे साथ हैं, खुद किचन थोड़ा सा किचन से तारुफ आपको करा देते हैं, पूछते हैं कितनी कितनी कौन कौन सी फिशेज हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बताइएगा अजीम भाई ये कौन सी फिश है। ये जलपरी फिश है हमारी, ये प्रॉन्स है, ये इंडियन सैल्मन है। अच्छा, ये परवा फिश है, परवा फिश है, इसको सिर्फ हमारी परवा है। अच्छा, आपकी परवा है, और किसी की परवा नहीं है, शायद ये थोड़ी आज परवा हमारी भी कर लेगी। ये बछुआ फिश है हमारा। अच्छा, बछुआ, बछुआ इसका नाम, मतलब आपने रखा है या इसका नाम बछुआ ही है? हाँ, ये बछुआ फिश है, बछुआ ही है। ये कॉन्क्रीट है, आप जानते हैं, ये गिरी है, और ये सर्दियों में हम बटेर भी रखते हैं। अच्छा, बटेर भी रखते हैं अजीम भाई। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए ये अजीम भाई, ये क्या है? ये जैसे आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में एक टुनटुन हुआ करती थी। जी जी जी। तो हमारी मछली की इंडस्ट्री के अंदर उधम फिश पॉइंट पे टुनटुन है। अच्छा, माशाल्लाह से काफी हैवी सी है, थोड़ी मोटी सी लग रही है, तो अजीम भाई ने इसका नाम टुनटुन रख दिया है। देखते हैं कितना बचती है, टुन टुन करती है, बाकी आगे देखते हैं। हाँ। बाकी थोड़ा सा इधर घूम लेते हैं, थोड़ा सा ये कौन सी फिश से तैयार हो रही है? हमारी सिग्नेचर आइटम है उधम फिश। अच्छा अच्छा, ये उधम फिश है, और ये बताइएगा उधम है, अभी रेडी हो गई होगा। अच्छा, और भी चीज़ें हैं एक। अच्छा अच्छा अच्छा, तो देखिए माशाल्लाह से किचन भी एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा है, किसी चीज़ की आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आइए और बिंदास होके खाइए, किसी भी चीज़ की परवाह, बिल्कुल साफ़ सफाई मिलेगी, रेट बिल्कुल मुनासिब है इनके, खुद जाकर मंडी मेहनत करके खुद लेकर आते हैं। तो अल्लाह ने इनके हाथों में माशाल्लाह से टेस्ट भी वो बहुत अच्छा दिया है, क्योंकि जो इंसान किसी चीज़ में मेहनत करता है, दिलो जान से लग जाता है, तो फिर वो टेस्ट निकल के आता है। तो देखिए ये फ़िश फ्राई है और कितनी क्रिस्पी लग रही है, देखिए इसमें किसी भी तरह का कोई बेसन यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ मसाले हैं और ये फ्राई हुई है। ये देखिए ये टुनटुन फिश फ्राई होकर आ गई है, अब इसमें मसाला लगाया जाएगा। ये देखिए इसमें मसाला डाल दिया गया है, दोनों ही तरफ से मसाला यूज़ करते हैं इसमें। अब इसको रखा जा रहा है, इस पर डलेगी थोड़ी सी क्रीम, ये देखिए हल्की सी क्रीम डाल दी भैया ने। देखिए यह है प्रॉन्स जो यहाँ पर देसी घी में फ्राई होकर मिलते हैं, 150 रुपीज़ इनकी कॉस्ट है। यह है उधम मलाई टिक्का, अमूल बटर अमूल क्रीम के साथ, इतना ज़्यादा क्रीमी है ये, बहुत ही ज़्यादा। यह पिंक सैल्मन है जो कि अंटार्कटिका से आती है, और सबसे ज़्यादा महंगी जो फिश है वो उधम फिश पॉइंट पर यही है, इसका रेट है 3600 रुपीज़ पर केजी, जो कि 250 ग्राम मिलती है 900 रुपीज़ की, 250 ग्राम मिलती है। उसकी खासियत ये है ये उल्टी धार पर चलती है,
इसमें किसी भी तरह का ऑयल यूज़ नहीं होता फ्राई करने में, इसका खुद ही का ऑयल निकलता है उसमें ये फ्राई होती है। इसमें ओमेगा 3 होता है उसमें ये फ्राई होती है। ये देखिए यहाँ पर कितने सारे सेलिब्रिटी आकर जा चुके हैं। ऐसे ही एक सेलिब्रिटी से हम आपकी मुलाकात आज करवाते हैं, बदनाम गबरू सॉन्ग हरियाणवी जमीर सिद्दीकी। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम यहाँ उधम फिश पॉइंट पे आए, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई और उन अच्छी चीज़ों में एक अच्छी चीज़ ये हुई कि एक हमारे सेलिब्रिटी हैं, मॉडल हैं भाई, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमने देखी इनकी वीडियो, बहुत खुशी हुई अभी हमें अजीम भाई ने दिखाई। तो आप यहाँ उधम फिश पॉइंट पे कैसे? एक्चुअली मैं उधम फिश पॉइंट पे पिछले एक साल से आ रहा हूँ। अच्छा। और मैं रहता हूँ रोहिणी, मतलब बिल्कुल अपोजिट हो गया अपने दिल्ली के अंदर। अगर आप देखते हो रोहिणी और ये अपना इधर शाहदरा, ये मतलब दिल्ली का एक वो कोना, एक दूसरा कोना ही है। तो बिटवीन दिस पीरियड बहुत सारे फिश ऑलरेडी हैं, करोल बाग में पड़ता है, उससे पहले पड़ता है, जो ऑलरेडी बहुत सारे फेमस हैं। लेकिन मैं फिर भी इसलिए यहाँ पर इसलिए आ रहा हूँ, काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ मैं, एक साल हो गया मेरे को ऑलमोस्ट आते आते। मैं वीक में एक या दो बार यहाँ पर आ जाता हूँ, लेकिन जो यहाँ पर क्वालिटी और जो टेस्ट मेरे को मिला है वो खुद ही ले आता है मेरे को यहाँ पर ना, वो सब कुछ इतना मैं ट्रैफिक झेल के, इतना टाइम अपना ख़राब करके इसीलिए ले आता हूँ वो टेस्ट और क्वालिटी। अच्छा। देख के लगाया था वो, मैं लेता हूँ रोस्टेड सुरमई। सुरमई फिश के अंदर क्या होता है, मोस्टली जगह मैंने देखा है लोग मिक्सिंग कर देते हैं, मतलब 20-80 या 30-70 का रेशो रख के मिक्सिंग होती है। मैं यहाँ पे इतने टाइम से खा रहे तो हमारे को आइडिया है, तो पता चल जाता है ये 100% सुरमई फिश ही है। दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर पिछले एक साल से आए रहे। ये देखिए हमारी टेबल लग चुकी है, सिजलर आ चुका है इनका, इस पे ऊपर से देसी घी डाला जा रहा है। ये देखिए ये टेबल लग गई है हमारी पूरी, इसमें कई तरह की चुनिंदा फिशेस लगा दी गई हैं। हाजी मैंने हमारी टेबल सजा दी है खूबसूरत दस्तरखान पे, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। शुरुआत करते हैं छोटी से बड़ी फिश तक, सभी चीज़ों को ट्राई करेंगे, फिर आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे कौन से टेस्ट कैसा है। थोड़ी सी बात अजीम भाई से भी करेंगे, पूछते रहेंगे, क्योंकि हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कौन सी फिशेज है। इतनी सारी फिश अजीम भाई ने लगा दी हमारे लिए, इसकी शुरुआत करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे महंगी फिश जो है ये सैल्मन फिश है, इसी से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे दूसरी फिशेज पर आएंगे। पहली बाइट लेते हैं जी अकदस भाई, मेरे दोस्त भी हैं, ये ले लीजिए, ये शादाब भाई हैं। अजीम भाई आप उठाएं, भाई अजीम भाई के बिना क्या जायका। देखिए माशाल्लाह से इसका कलर भी कितना खूबसूरत है, देखिए अंदर से बिल्कुल पिंक निकली हुई है। इसकी वर्ल्ड में पहचान ही है कि पिंकिश होती है। एक चीज़ और बताऊँ इसके बारे में कि ये सूखे तवे पे अपने ही ओमेगा 3 में सिकी हुई है, इसमें हम कोई ऑयल यूज़ नहीं करते, ना इसे सूखा रखते हैं ऐसे ही, और ये ओमेगा 3 निकलता है उसी में ये तैयार हो जाता है। देखिए इसे एक बार इसके साथ ले लेते हैं चटनी में डिप करके, थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ाने के लिए। ये प्रॉन्स लेते हैं जी, देख लेते हैं कैसा टेस्ट इसका। मैं तो फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, मैं भी पहली बार प्रॉन्स खा रहा हूँ। मैंने टेस्ट किया है इसको, मैंने इसे इचना बोलते हैं, इसे इचना भी बोलते हैं। प्रॉन्स का टेस्ट बताते हैं हम चारों लोग, शायद देसी घी में हुआ है शायद। जी हाँ देसी घी, इसकी खुशबू ही बता रही है देसी घी में हुआ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत आला टेस्ट है, मैंने पहली बार ट्राई किया है और मुझे लग रहा है कि मैं शायद अभी ये खाने वाला हूँ। सब मज़ा आ गया इसमें, बहुत ही ज़बरदस्त और देसी घी में जो बना रखा ना अजीम भाई ने, कहीं भी जाएंगे मिल जाएगा। लेकिन जो अजीम भाई ने मसाले और जो देसी घी में से तैयार कर रखा है वो बहुत ही चार चांद लगा रही है खुशबू इसकी, बहुत ज़्यादा टेस्ट है। ये हमारी सिग्नेचर आइटम है, थोड़ा हाथ गंदे करने पड़ेंगे लेकिन ये सिग्नेचर आइटम है हमारी उधम बोनलेस, उधम मलाई टिक्का, बहुत फेमस है, बहुत लाइक करते हैं लोग। पर ये देखिए ये मैं ले रहा हूँ, क्या बताया इसका? उधम मलाई टिक्का। उधम मलाई टिक्का स्पेशल जो है ये उधम फिश पॉइंट का, उधम मलाई टिक्का सबसे फेमस जो उधम। माशाल्लाह देखिएगा इसका कलर, ओहो फुल क्रीमी है। जब प्रॉन्स खा लिया था मुझे लग रहा था इनके इससे ज़्यादा टेस्टी कुछ नहीं होगा, लेकिन अजीम भाई ने किया कि उधम टिक्का खाइए, अब मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। हर एक डिश जो बढ़ रही है एक के बाद एक जो खा रहे सब में अलग अलग सिजलर है हमारा, सिजलर है। ये भी एक महीना हुआ स्टार्टअप से माशाल्लाह, इसकी खासियत आप खा के बताएंगे। अरे भाई मुझ पर ये जिम्मेदारी डाली गई है कि मैं इसकी खासियत बताऊँ। इसकी खासियत है जी
जिम भाई ने बनाया हुआ है, ये अभी स्पेशल स्टार्ट किया गया है। ये हाथ से छूते ही टूटना शुरू हो गया, क्या बुलाया इनको? ये बॉस है जो भाई जी हाँ लगा हुआ है। मैम ये शौक जब प्रोफेशन बन जाता है तो ऐसी चीज़ें निकल कर आती हैं। अजीम भाई का ये शौक था शुरुआत से ही, आज ये इनका प्रोफेशन बन गया है तो जायके इनके एक से एक निकल के आ रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि अब ये दूसरा जायका शायद इससे अच्छा नहीं होगा, लेकिन हर एक जो फिश जो उठा के दे रहे हैं ना जिम भाई, एक नंबर जायका है। इसके लिए आपको चेक करने के लिए खुद आना पड़ेगा उधम फिश पॉइंट जाफराबाद में आइए। ये जलपरी है हमारे यहाँ की, ये टेस्ट कीजिए एक बाइट मारिए से। इतना ही लेता हूँ अभी। माशाल्लाह देखिए ये जैसे ये टूट जाएगी जैसे भी बुलाई करती है ना। मूंगफली की गिरी, सिंगाड़े की गिरी और बादाम की गिरी तो आपने बहुत सुना होगा, खाया भी होगा। ये हमारे यहाँ उधम फिश पॉइंट पे मछली की गिरी है, मछली की। अच्छा, तो इसे बाइट करके उठा लीजिए। मछली की क्या है? गिरी, गिरी। अच्छा, ये देखिए मछली की गिरी बता रहे हैं अजीम भाई। इसे बाइट ऐसे करके देते हैं, तोड़ लेते हैं इसको, थोड़ा सा बीट में आ जाएगी। मछली की गिरी बहुत ही, ये देखिए ये शॉट देखिए, ये मछली की गिरी है। सर दस भाई एक बार खुद साथ ही खाते हैं, फिर साथ ही जाएगा एक साथ है। ये चटाई डाले 1 2 3 स्टार्ट करते हैं। ओह मलाई की तरह मुँह में जाती एकदम खत्म, मुँह में जाती खत्म इतना मुलायम है। दही बटर चिकन तो बहुत खाया होगा आप बता रहे, एक हमारी दही बटर ये यम्मी फिश भी ट्राई कीजिए। इसे भी अक्दस भाई साथ ही ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे तीनों भाई। ये अच्छा आइडिया दिया आपने जी। शाहरुख भाई एक भाई और है तुम्हारा, चार वसीम भाई। अरे बताइए हम जायके में जायके बने को भूल गए। चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपने मटन की चाप खाई होगी, ये हमारे यहाँ की फिश चाप है और इसकी शेप देखिए ऐसी जो चाप आपने बनाते हैं। हाँ ये बस फिश चाप है, फिश मत पूछिए आप, ये सिर्फ और सिर्फ अजीम भाई को बताए जी। हाँ देखिए एक बार बकरी की चाप खाई होंगे आपने, मटन चाप खाई होगी आपने, फिश चाप आज आप पहली बार टेस्ट करेंगे इसका हिस्सा। ये देखिए ये फिश की चाप है, मछली मत पूछिए क्योंकि मछली कौन सी है यही तो राज है। ये चाप से लीजिए इसी का, लेकिन मैं इसे खा के आपको जायका बताता हूँ। ऊपर से खाओ, इसे चाप की तरह ही लेते हैं, इसमें कैल्शियम होता है काफी। ऊपर से खाओ, काफी कैल्शियम होता है इसकी मछली के अंदर बहुत ज्यादा। बकरे की चाप पहले हो गई इसके सामने। मसला ये है कि दुनिया में जो भी आप अपना बिजनेस काम ये जो भी कर रहे हैं जिस लाइन के अंदर भी हैं, या तो उसे बहुत लगन मेहनत से करो या मत करो। तो ये करना है तो मेहनत और जुनून के साथ, लगन मेहनत के साथ कीजिए, वरना उसे मत कीजिए। जो अपनी पसंद का काम है उसमें लगिए, करो उसे जुनून के साथ। बहुत शुक्रिया अजीम भाई, आपने मुझे वक्त दिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। बहुत ही सारे जायके हमने टेस्ट किए अजीम भाई ने, हमें पूरा माशाल्लाह से पूरी टेबल यहाँ पे 75 वेराइटीज़ है, उसमें से कुछ चुनिंदा बहुत ही खूबसूरत जायके आज हमने टेस्ट करने के लिए मिले हैं। आपसे गुजारिश करूँगा कि आइए एक बार उधम फिश पॉइंट पर, और दुनिया में ऐसा जायका कहीं नहीं मिलेगा जैसा उधम फिश पॉइंट में मिलेगा। जाफराबाद एड्रेस बता दीजिए अजीम भाई, कहाँ आएगा? बहुत सिंपल एड्रेस है, जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पिलर नंबर 198 के सामने, नियर बाय क्रिसेंट स्कूल। आप कहीं से भी आ रहे हैं बस पिलर नंबर 198 जाफराबाद, पिलर नंबर 198। यहाँ पे आपको दिल्ली पूरे हिंदुस्तान का जबरदस्त, अगर आपको फिश लवर हैं, आप सी फूड लवर हैं, तो देसी घी में ओलिव ऑयल में एक से एक जबरदस्त आइटम आपको टेस्ट करने के लिए मिलेंगे। मैं आपका दोस्त शुएब इजाज़त चाहता हूँ आपसे, इंशाल्लाह फिर किसी और फूड पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक यू।